क्या बात है खालिद, तुम ऐसे घबराए हुए जैसे तुम्हारे पीछे मौत चढ़ा हुआ है। हाँ शेर खान, वो मौत ही है। मैं बड़ी मुश्किल से उसे डांस देकर तुम तक पहुंचा हूँ दोस्त। उसने तो हमारी पोस्ट की फसल भी तबाह कर दी है। वो मुझे भी खत्म करना चाहता है। किसका बात करता है, कौन है वो? वो ही जीवा। जीवा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम हमारा दोस्त भी है और पार्टनर भी। आओ तुम्हें अपने बाबा से मिलवाऊं। आओ आओ तकलफ मकवा, ये तुम्हारी अपनी जगह है। ये कब्रें देख रहे, ये हमारा दादा और चाचा का है। ये भी खानदानी दुश्मनी में मारा गया था। इनकी कब्रें अपने हवेली के तहखाना में इसलिए बनाया कि हम सबको इंतकाम याद रहे। मेरा बाबा गुस्से के मसले में बहुत सख्त है। हाँ सलाम बाबा। ये मेरा दोस्त है बाबा, अब हमारा मेहमान भी है, लेकिन इसका दुश्मन इसे मारना चाहता है। कौन है तुम्हारा दुश्मन? बोलो बोलो। सैदून कबीले का सरदार जीवा। तुम बेफिक्र होकर इधर रहो, तुम भी किसी छोटे सरदार का मेहमान नहीं है। शेर खान, जो दोस्त का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। जाओ मेहमान का कोई खातर मातर करो, जाओ कोई अलग उलग करो।
सरदार शेर खान। जमीन फरोश को हमारे हवाले कर दो सरदार। नहीं, सरदार अपना मेहमान, अपने दोस्त दुश्मन को नहीं देता जीवा। एक जलील दोस्त के लिए अपने सरदारी को मत जलील करो सरदार। अगर तुमने हमारा रास्ता रोका तो हम तुम्हारा लाशों को रौंदता हुआ इस कबाड़ बन जाएगा। जब तक हम जिंदे हैं इसे कोई नहीं मार सकता। हम मारेगा शेर खान, बंदूक संभाल। अपनी मां के पास चले जाओ, जाओ। खबर तैयार है खान बाबा। जनाजा वो भी तैयार है। दफनाने का वास्ते आपका इजाजत चाहिए।
इजाजत है, दफना दो हमारे बच्चे को। आप आखिरी बार सूरत नहीं देखेगा अपना बच्चा का? नहीं। बाबा, बेटा का आखिरी दीदार कहाना, हम नहीं देखेगा उसका सूरत, नहीं देखेगा, हम देखेगा जीवा का चेहरा, दुश्मन की लाश का चेहरा। दफना दो हमारा जिगर का टुकड़ा को। इस कब्र पर चिराग नहीं जलेगा ज़ीर खान। आपका बाप की कब्र पर चिराग जले, आपका बाप के बाप की कब्र पर चिराग जले, तो मेरा बाप की कब्र पर चिराग क्यों ना जले दादा? इसलिए कि इस कब्र पर, हमारा बच्चा की कब्र पर पहला चिराग जीवा के लहू से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कब्र यूं ही अंधेरों में डूबा रहेगा। जीवा का खून कौन लाएगा दादा? शेर खान का बेटा ज़ीरा खान, तुम नहीं। लहू का खेल तुम्हारा बाप ने खेला, अब बेवा हो गया, उसी आग में बाबा तुमको धकेलना चाहता है, लेकिन तुम दादा का बात नहीं मानेगा, अपना मां का बात मानेगा। दुश्मनी का खेल में सिवाय जिंदगी के नुकसान के और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लो सरंगा हुआ यह चादर, तुम्हारा बाप का निशानी है ज़ीर खान। जिस तरह तुम्हारे बाप की कब्र का अंधेरा जीवा का लहू के चराग से दूर होगा, उसी तरह चादर पर जमा हुआ यह खून तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुमने अपने बाप का बदला लेना है, याद रखो ज़ीर खान। मुझे कसम है अपने बाप का, इस लहू का दादा, मेरा जीना सिर्फ दुश्मन के लिए, मेरा मकसद जीवा का मौत, बाप का इंतकाम। शाबाश ज़ीरत, शाबाश। आज से तुम्हारा सफर दुश्मन की तलाश में शुरू होता है। माफ करना बाबा, आज भी तेरा कब्र का चिराग के लिए जीवा का लहू नहीं ला सका। कहां नहीं ढूंढा उसे, दश्त तो दश्त, सहरा भी नहीं छोड़ा, सब जगह ढूंढा, लेकिन वह पुस्तल का बचा
पता नहीं किस पिल में घुस गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में नहीं। अगर वो जिंदा नहीं है जीरक, तो फिर दिल को चैन क्यों नहीं है? सीने में आग क्यों है जीरक? वो जिंदा है, वो जिंदा है, जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो खुदा हमारा दुआ क्यों नहीं सुनता? उसको हमारे सामने लाता क्यों नहीं है? क्यों नहीं लाता? एक बार, सिर्फ एक बार उसका झलक नजर आ जाए, खुदा का कसम उसका पलक नहीं झपकने देगा, नहीं झपकने देगा, नहीं। ऐसे क्यों देखता है? रोता क्यों है? जीरक, हमको इस कब्र पे चलांग चलाने दे। इस कब्र पे कब से अंधेरा है? हमको इस कब्र पे चलांग चलाने दे। गुलबानो, हमको कितनी बार बोला है, इधर आया कर तो सिर्फ फातिहा पढ़, रोशनी की बात मत किया कर। बाबा, अब तो हमारा मरने का वक्त आ गया। हम ऊपर जाकर उसको क्या जवाब देगा? उसको क्या सूरत दिखाएगा? क्या हम उसका कब्र पर एक चराग भी नहीं जला सका? एक चराग भी नहीं जला सका। अम्मा, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। तुमको बोला है माँ, तुमको बोला है, चराग चलेगा, जरूर चलेगा, और तुम्हारे जिंदगी में चलेगा। ये वादे दिलक का वादा है माँ तुमसे, वादे जरूर चलेगा माँ, जरूर चलेगा, चराग चलेगा, चलेगा, जरूर चलेगा मां। शाबाश जीरक, शाबाश, तुमने हमारा परवरिश का इज्जत रख लिया है। और एक वो है तुम्हारा छोटा भाई गुलबाज खान, जिसको कोई फिक्र नहीं, मां ने पाला है ना उसको, सैर सपाटे में लगा रहता है, बुजदिल पठान। बाबा, तुमको बुजदिल बोला, हमको बहुत अच्छा लगा। इधर इस घर में अमन से जीने वाले को बुजदिल बोला जाता है। बस तुमको पढ़ना है गुल, और उस तरह जीना है जैसा तुम्हारा माँ चाहता है। अखो, अखो, जब देखो रोता है या बेटे का तस्वीर से बातें करता है। और एक ये, इसको फुर्सत ही नहीं है कि दो लफ्ज खत में लिख दे कि उसका माँ किधर है और भाई किधर है। पता नहीं इस्तांबुल में क्या करता है। वो इस्तांबुल में पढ़ता होगा और क्या करता होगा। और कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है उधर। हमको किसी ने बोला है कि उधर इस्तांबुल में हसीन नजारों के सामने वो इधर से जो ले गया ना, वो क्या कहते हैं तबाब, वो उधर बैठकर बजाता होगा। ये कोई शक्ल है पढ़ने का इसका?
चिकड़ दोपहरी मैं आलू छिला नाल पुकार रहा तैनू हाय बंतो हाय बंतो हाय बंतो हाय बंतो। ओए गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून निका सिंह। तुमने ये लेटर पढ़ा? ओए अग्गे कदी पढ़िया? तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया। की लिखा? निका सिंह तुम तो फेल होते होते थके नहीं? हाँ। लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले तुमसे तंग आ गए। हाँ। उन्होंने तुम्हें रेस्टिगेट कर दिया हमेशा के लिए। ओ कोई परवाह नहीं गुलखाना। ओए उन साडा जीना मरना ते इस्तांबुल हैगा। एनू कहिंदे आ इस्तांबुल ते कुछ ना बोल इस्तांबुल ते कुछ ना बोल इस्तांबुल ते कुछ। निका सिंह तुम अपने आप को और अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो। यानी ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो लेकिन बंतो केश्क में एक मामूली वेटर बन गए हो। ए इश्क दिया रमजाने काका ओ तू पढ़ी जा ते सड़का ते बैठ के फकीर वांगो अपना रबाब बजाई जा। ओए पागला इश्क दा रोग तां नसीबा वाले नु लगदा। आज मेरे नसीब ने भी करवट ली है मेरे दोस्त। आज मैंने ऐसी लड़की को देखा है जिसे देखते ही मेरे दिल की घंटियां बजने लगी। ओए ओ सच्चा क्या गुलखाना? हाँ निका सिंह वो गार्ड्स के साथ आई आए दिल के रास्ते से गुजरी आए और वापस चली गई आए। ओ बस बस ओ तेरियां ठंडियां सावा ने ओ सानू यकीन दवाता ओ शावा भी शावा ओ दस ते सही ओ कौणा किथे रहंदिया? यही तो नहीं पता निका सिंह। और नियत चंगी रख मिल जाऊ एले फल छुरी ते आलू कट आ और तू भी उसे तरह जुदाई दे गीत गा जिदा मैं गा रहे सीगा। आ पर तुम का चले निका सिंह? हाय ओ मैं चले अपनी बंतो दी नौकरी ते शालमार रेस्टोरेंट। ओ मुंडिया ओ सफाई सुफाई हो गई ने। प्रणाम बंतो जी। आ गई ने सरकारा। ओ सरकार ते तुसी हो जनाब। असी ते तोड़े काके काके दे भी गुलाम आ जड़ा आली होने आ। बस बस तू रहन दे तू बापू दा ही गुलाम रहो ते टाइम ते आ जाया कर। ओ की करदा ओ जरा आखी देर नाल खुलिया ते अख नु जरा जल्दी ला लिया करो निका सिंह जी। ओ जदों दी अख तेरे नाल लड़िया ओ साडी ते निंदर ही फस गई आ। ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਤੱਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰ। ਬੰਦੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਕਰ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੇਲੇ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਕੋਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਬੈਰਾ ਬਣਿਆ। ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਿੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਭੰਬੀਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਲ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਓ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਪਊ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਲਬੂਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੂ ਦੀ ਲੂਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕੀਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਸਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੋਟਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਕੈਸਾ ਪਲੈ? ਬੰਤੂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
और तू सरदार होके मेरी धी की इज्जत का डाकू बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी धी नू लेके नसू मैनू कुचला दू। आया देखे हथ, एक दो तीन चार पांच छे, इदिया छे उंगलियां आ आज छक्के मार मार तैनू मार सटू। ओ बापू जी तुसी पावे मैनू जानो मार दो पर मेरी ये गल सुन के मारना। ओ सौ गुरु जी ओ बंतो मेरी पैणिया पैणिया आ पैणिया फेर को बंतो मेरी पैणा गुरु दी सौ खा के को ओ गुरु दी सौ बंतो मेरी पैणिया। मैं ते ड्रामे दे डायलॉग याद करे सीगा। ड्रामा आ निक्का सिंह इस्तांबुल। ओए केड़ा ड्रामा है? ओ बाबूजी इनू कहंदे आ इस्तांबुल ते कुछ ना भूल। ओ चलो जा जाके सफाइयां कर। ओ सफाई ते मैं होजी करूं बापू। ओ तन्नू इत्थे कुछ भी नजर ना आऊ। आ चलो निक्का भैन बन तो मेरी भैणिया बकवास की मेनू पैणा दिता। आहो क्या है? आहो क्या तेरे यारा वजी बारा वज गए ने। मैनू पैण भी कहने ते मशूक भी कहने। मैं तेरी जबान वड़ देऊ। मैं तेरी अखा कट के तेरा दिल चीर के चीला के पा देऊ। ओ तू जो मर्जी कर ले बन तो मेरी पैणा सच्ची पैण। जे यकीन नहीं आउंदा ते कार फोन करके पता कर ले। एक बन तो उथे भी रहिंदी आ जेड़ी आ मेरी मां जाई। मेरे गुरु की कृपा उन्हें पैण भी दी बंतो मशहूक भी दिता ते बंतो। इनू कहिंदे आ इस्तांबुल ते कुछ ना भोल। इस्तांबुल ते कुछ ना भोल। मजा आ गया। चा भी निकिया तू ते पैण कह के मेरी चा नहीं कर ली सी। इस्तांबुल ते कुछ ना भोल। कोई तरीका नहीं है। पापा ने दिन दिन फोन करते हैं ना खुद आते हैं। हम बहुत सख्त नाराज हैं उनसे। इस दफा तो हम बात नहीं करेंगे उनसे। हाँ मैडम आपने मुझे पहचाना? नहीं नहीं नहीं। मैं गुल। कौन गुल? गुल वो आपके बेटे का दोस्त। दोस्त? वो
भला क्या नाम बताया था अपने बेटे का? बुरहान। बुरहान, बुरहान। मुझे उसी के बारे में आपसे बात करनी है। आपका नंबर क्या आपका? I'm sorry, I don't have number at my home. नहीं है नंबर। अच्छा तो फिर मुझे वो नंबर दे दें जिस पे आप मिल सकें। Of course, 559-559-26-26-29-29. Is it okay now? Absolutely okay, ma'am. Okay, okay. Bye. Bye. And take care of yourself. Sure. Bye. Bye. हेलो। हाय। कौन? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? जिसकी आंखों ने आपको और आपकी आंखों ने जिसको प्यार से देखा। रॉन्ग नंबर। हेलो। फोन बंद करने से पहले तुमने ये क्यों समझ लिया कि मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा? तुम हो कौन? पहले अपनी गाड़ी से मारा, फिर अपनी मुस्कुराहट से मारा, पर अब आप पहचानती भी नहीं। ओह, आ गया यार। अब भूलिए क्या? नहीं। क्या मतलब? मतलब आप भी समझ रही हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्यों? मिलेंगी तो बताऊंगा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं कल 12 बजे इस्तांबुल पॉइंट पर आपका इंतजार करूंगा। आप नहीं आएंगी तो फिर मैं आऊंगा। कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं, रिक्वेस्ट है। आपको आना होगा कल इस्तांबुल पॉइंट पर। इस्तांबुल पॉइंट पर? कतल होन दे अरादे आ तेरे अद्धी रात नू चोरा वांगो तू कुड़ी ने कार जाऊं। तुम खुद ही तो कहा करते हो निक्का सिंह, इश्क वो आतिश है जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। हाय 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 हाय, ओए तू आपे ते आख्या सीगा ओदे सज्जे खबे उते थले बंदूकाले हो दिया। आज रात सब पैरों के दरमियान उससे मुलाकात करूंगा, कुछ उसे हैरान करूंगा, कुछ अपने दिल का हाल बयान करूंगा। का क्या? तू गोली जरूर खाऊ।
तो मेरी मौत की जिम्मेदारी आप पर होगी। तुम यहां हमारे बेडरूम तक कैसे पहुंच गए? जैसे आप मेरे दिल तक पहुंच गई बगैर किसी रोक टोक के। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं, कम से कम एक होशमंद इस तरह अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर हमारे बेडरूम तक नहीं आ सकता। आशिक तो होते ही अब नॉर्मल है। इससे पहले कोई तुम्हें देख ले जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, वरना मैं मौत से नहीं डरता। कुछ हमारा ही ख्याल करो, हम एक इज्जतदार बाप की बेटी हैं। आपकी इज्जत के लिए जा सकता हूं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आपको मुझसे मिलने इस्तांबुल पॉइंट पर आना होगा। हम नहीं आ सकते। फिर मैं भी नहीं जा सकता। प्लीज वादा कीजिए आएंगी। आऊंगी। ऐसे नहीं, मुस्कुरा कर कहिए। आऊंगी। थोड़ा और। आऊंगी। वही वही कुर्बान। रचा
चुरा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। प्यार की कोई हद नहीं होती। बहुत ना डर हो तुम, कहां से आए हो? टर्किश तो नहीं लगते? मैं पाकिस्तानी हूं और यहां पढ़ने के लिए आया हूं। अच्छा है, अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ दो। मेरी सारी तवज्जो तो आपने अपनी तरफ मोड़ ली है। अपनी तवज्जो को समझाओ वरना वरना हमारे किसी भी गार्ड की गोली तुम्हारी जान ले सकती है। मैं पठान हूं, गोली से इसलिए नहीं डरता कि हमें मां खेलने के लिए पहला खिलौना बंदूक देती है। तुम पठान हो? हम भी पठान हैं। तभी तो हम दोनों पहली नजर में एक दूसरे पर मर मिटे थे। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। कसम खाओ, कसम खाओ पठान खून की, कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा। चेहरा मत मोड़ो, सोचो मत, कसम खाओ। हम यहां अपने गार्ड्स को धोखा देकर आए हैं। फिर क्या हुआ? प्यार और जंग में सब जायज है। बोलो फिर कब आओगी? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी सोचेंगे। तुम सोचती रहोगी और मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं आओगे। फिर तुम आओगी, बोलो आओगी ना? ओके। अच्छा लड़का होगा, लेकिन उसका तुम्हारे बेडरूम तक आना और तुम्हारा उससे मिलने जाना अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाप को इस बात की भिनक पड़ गई तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा और गुल को भी। गुल के बारे में हम बाबा से खुद बात करेंगे। खुद बात करने से बेहतर है कि अपनी गवर्नर आशीन को एतमाद में ले लो, वो बात करेगी तो अच्छा रहेगा। बाबा कब आ रहे? कल। और आते ही सीधा वो मम्मी की कब्र पर जाएंगे। Oh,
बहन से बहुत प्यार है, प्यार है। शीवा से नफरत है, नफरत है, नफरत है। एक रॉयल खून मामूली पाकिस्तानी खून से नहीं मिल सकता। चले बाबा। अश्विन बता रहा था कि आजकल तुम गार्ड का परवाह नहीं करता। अगर तुम ऐसा करने से बाज नहीं आए तो हम मजबूरन तुमको कॉलेज से उठाएगा और अपना फॉर्म पर ले जाएगा। हम भी आपकी बेटी हैं, नहीं चाहिए हमें गार्ड बार। कौन मारेगा हमें? तुम्हारा अपना मामू। हमारी माँ का कातिल अब हमें नहीं मार सकता। तुम्हारा माँ भी यही बोलता था, मुझे नहीं मार सकता, पर उस जालिम ने उसको मार डाला। हमको तो शक है कि वो पाकिस्तान से आने वाला मासूम शहरियों का जिंदगी से भी खेलता है। शाबान साहब को इतला करो। सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है। कल इन सबको बॉर्डर पर ले जाओ और गोली मार दो।
कल के अखबार एक बार फिर बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ लिखेंगे कि 10 पाकिस्तानी ग्रीक बॉर्डर क्रॉस करते हुए ग्रीक रेंजर्स के हाथों मारे गए। अब अल्लाह करे बॉर्डर पार कर जाए। फिक्र मत करो भाई, इन लोगों ने हमसे पैसे लिए हैं, इनका फर्ज बनता है, ये हमें जरूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो आज सारी रात नींद नहीं आई, कल मेरा बसों का ख्वाब पूरा होगा और कल बॉर्डर क्रॉस करके हम यूरोप पहुंच जाएंगे। बॉर्डर तो नहीं है भाई,